हम लोग जनरली हम लोग मसल को डिवाइड करते हैं, तो फंक्शन के हिसाब से डिवाइड करते हैं, है ना। तो पहला हम लोग क्या करते हैं, वॉलेंट्री करते हैं, दूसरा इनवॉलेंट्री करते हैं, है ना, और तीसरा क्या करते हैं, कार्डियक। ठीक है, तीन तरह के मसल पाए जाते हैं। वॉलेंट्री मतलब इच्छित, जिस मतलब हम लोग जिसको कंट्रोल कर सकते हैं उसको वॉलेंट्री बोलते हैं। ठीक है, इनवॉलेंट्री मतलब जो अपने आप चलते रहते हैं, है ना, उसके खुद के न्यूरॉन्स होते हैं, अपने आप वो फंक्शन करते हैं। ठीक है, और कार्डियक मतलब, कार्डियक एक अलग तरह का मसल है जो सिर्फ हार्ट में पाया जाता है, ये न इनवॉलेंट्री होता है न वॉलेंट्री होता है, ऐसे बोल सकते हो, है ना। कभी कभी हालांकि ये इनवॉलेंट्री है पूरी तरह से, है ना, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसके कुछ रिस्पॉन्स ऐसे रहते हैं जो ब्रेन से कनेक्टेड रिस्पॉन्स, ब्रेन से कनेक्टेड है लेकिन हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, खुद के इसके, और अगर ब्रेन से कॉन्टेक्ट हट भी जाए ना तो भी ये फंक्शन करेगा, मतलब इसका खुद का अपना इंपल्स रहता है ना, मतलब खुद अपना इंपल्स देता है खुद को और ये खुद कॉन्टेक्ट होते रहेगा और ब्रेन से भी इंपल्स जाता है, लेकिन ऑर्डर वाले नहीं है, मतलब मैं चाहूं तो मेरा हार्ट रेट बंद नहीं होगा, है ना। तो ऐसा बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, दूसरा क्या है, इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मतलब हमारे जो वेसल्स हैं, है ना, मतलब हमारे समझ लो जिसमें ब्लड फ्लो होता है ना, वेसिकल्स, उसके अंदर जो मसल पाया जा रहा है वो हो गया इनवॉलेंट्री। हमारी जो आंत है वो इनवॉलेंट्री है, यूरेट्रा हो गया, यूरेटस हो गया, और तुम्हारा ब्लैडर है ना, यूरिनल ब्लैडर, वो सारे जो मसल हैं किससे बने हुए हैं, इनवॉलेंट्री। ठीक है, ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन होता है, पता है ना, लेकिन अपने आप होता है, तुम कंट्रोल कर सकते हो नहीं कर सकते, वो क्या है, इनवॉलेंट्री। ठीक है, और क्या हो गया, वॉलेंट्री। वॉलेंट्री के अंदर हम लोग क्या आता है, स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल हम लोग पूरा पढ़े, समझ गए, स्केलेटल मसल में कैसे कैसे फंक्शन होते हैं उसको देख लिए थे, कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, क्या क्या पाया जाता है उसके अंदर, ऑर्डर किससे होते हैं, इसका मतलब उस स्केलेटल मसल के अंदर न्यूरॉन जाते हैं और न्यूरॉन ऑर्डर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा न्यूरॉन्स के जो, मतलब न्यूरॉन क्या करते हैं, एक तरह के समझ लो कि रेड न्यूरॉन्स है, वो क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं, और एक रिसीविंग वाले येलो न्यूरॉन्स होते हैं जो रिसीव भी करते हैं। ठीक है, जैसे गोल्गी टेंडन नाम सुने होंगे, गोल्गी टेंडन भी पाया जाता है। गोल्गी टेंडन क्या होता है, मसल स्प्लिंडर, गोल्गी टेंडन सुने हो ना, है ना, नहीं सुने। मसल स्प्लिंडर क्या होता है, एक सेंसर पॉइंट होता है जो मसल के अंदर पाया जाता है, वहां से रिटर्न होता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो एक जो फंक्शन है जो क्या करता है कि बॉडी में कितना स्ट्रेस पड़ रहा है, जैसे समझ लो तुम वजन उठा रहे हो, ठीक है, कितना वजन उठा सकते हो, 40 kg, 50 kg ऐसा करके उठा लिया। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या है, 50 kg के ऊपर और रख दिए, 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, क्या होगा, एक ऐसी कंडीशन आएगी कि वो इसको उठा के रखने की क्षमता खत्म हो जाएगी। तो वो डिफेंस सिस्टम है कि मसल का जो जो मसल के जो सेल है ना, फाइबर्स है ना, वो जो फाइबर है, सेल के जो फाइबर है वो टूटे ना करके वो क्या करता है, छोड़ देता है, रिलैक्स कर देता है, समझिए, मतलब उठाने की क्षमता नहीं उठा पाऊंगा और, समझिए, ऐसे हो जाता है। तो ये डिफेंस सिस्टम है, तो वो जो सिग्नल मिलता है रिसीव होने का, ये मसल स्प्लिंडर से मिलता है। ठीक है, समझिए, एक होता है एल्फा न्यूरॉन और एक होता है बीटा न्यूरॉन। एल्फा न्यूरॉन क्या करता है, ऑर्डर देता है, बीटा न्यूरॉन समझिए, इतना समझ में आया। इसके अलावा हमारे बॉडी में देखो एक जॉइंट होती है मसल और टेंडन के बीच की, जानते हो, ऐसे बताया था, ये बोन है, यहां से ये टेंडन है, फिर ये मसल होता है, इस तरह से हम लोग पढ़े, तो यहां पर जो जॉइंट होती है इसको मस्कुलर, है ना, मस्कुलो टेंडन जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट होता है, ठीक,
तो जो जो मसल स्प्लिंडर मसल में यहाँ पर पाया जाएगा अंदर में, है ना, कॉल्बी टेंडन, कॉल्बी टेंडन इस तरफ पाया जाएगा, ठीक है। तो इधर से ऐसे रिसीव करेगा इन्फॉर्मेशन, यहाँ से भी रिसीव करेगा, समझ गए, समझने की चीज बहुत है, ठीक। ये रिसीव करने वाले हैं, ठीक है। तो ज्यादातर ये कहाँ पे जाते हैं, कहाँ पर इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो जैसे ब्रेन है ना, तो ये ऐसे स्पाइनल कॉर्ड है ना, तो यहाँ से ये रिसीव होता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से आया, ये ऐसे करके रिसीव होता है, ठीक है। फिर इधर से ऑर्डर जाता है और क्या करता है, उसको रिलैक्स कर देता है, ठीक है। जो ऑर्डर जा रहा है ना ब्रेन से, जो ऑर्डर जा रहा है उसको रिलैक्स कर देगा, तुम ताकत लगाओगे तो भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो एक ऐसा स्विच है जो ओवरलोड होने पर बंद हो जाता है, समझ गए। ये डिफेंस सिस्टम है मसल का, ठीक है, या बॉडी का, समझ गए, आया समझ में। डिफेंस एक तरह का डिफेंस सिस्टम, क्या हो रहा है, जैसे बना रहता है ना फ्यूज, फ्यूज जानते हो, ऐसे करके उठाते हो बिजली आते रहती है, ओवरलोड होता है, ज्यादा पंखा एसी जब चला तो अपने आप गिर जाता है ना, बस उसी तरह से, समझ गए। काम हो रहा है, बिजली चल रही है, कूलर चलाए, पंखा चलाए, एसी चलाए, फ्रिज चलाए, ज्यादा हो गया बिजली जाएगी, सेम उसी तरह से काम हो रहा है, वर्क कर रहे हो, वजन उठा रहे हो, और उठाए, ज्यादा हो गया हद से ज्यादा, तो ठीक है। यही सिस्टम इसका मसल का डिफरेंस सिस्टम। तो ये किसमें पाया जाता है, तो वॉलंटरी में पाया जाता है ना, वॉलंटरी नर्वस सिस्टम का पार्ट, तो वॉलंटरी मसल का पार्ट है, ठीक है। ये चीज आपको हो गया था मसल वाले चैप्टर, इतना को लिख लो। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मसल के दूसरे और टाइप्स कैसे हो सकते हैं, मतलब हम लोग पढ़ेंगे वॉलंटरी मसल के अंदर के टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। स्केलेटल मसल में तीन तरह के फाइबर्स पाए जाते हैं, वैसे मेनली अगर बोला जाए तो दो है, दो मतलब समझ लो हम लोग उसको बोलेंगे एक टाइप वन, टाइप टू, ठीक है। और ये टाइप टू के जगह के पास हम लोग को और तीन मिलेंगे, ठीक है, टाइप टू ए, टाइप टू बी एंड टाइप टू ए। ठीक है, तो जो ए है और बी है और एक्स है, इसकी क्वालिटी क्या क्या होती है इसको हम लोग देखेंगे, पहले टाइप वन को देखेंगे, ठीक है, टाइप फर्स्ट। तो पहला प्रकार क्या होगा, तो टाइप वन जो होता है ना, ये ज्यादा मात्रा में इंड्योरेंस प्रोड्यूस करता है, मतलब इंड्योरेंस के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इंड्योरेंस के लिए क्या अच्छा होगा, तो इसमें क्या होगा, मायोग्लोबिन ज्यादा पाया जाएगा, ठीक है, मायोग्लोबिन क्या होगा, ज्यादा होगा टाइप वन में, माइटोकांड्रिया ज्यादा होगा, ठीक है। इसमें न्यूक्लियर ज्यादा होगी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ज्यादा होगा, ठीक है, ज्यादा होगा। लेकिन ये क्या कहलाएगा, तो ये स्लो ट्विच कहलाएगा, समझिए। इतनी चीजें ज्यादा होते हुए भी ये क्या कहलाएगा, स्लो ट्विच,
आस्ट काम नहीं करेगा, करेगा। कोई भी चीज देखो, एक इंडोरेंस दौड़ने वाला जो एथलीट है ना, उसके पास इसकी कमी होती है, सॉरी इंडोरेंस वाले के पास ये ज्यादा होती है, और जो 100 मीटर जो दौड़ने वाला है उसके पास फास्ट ट्विच ज्यादा होता है, जिसको हम लोग टाइप 2 बोलते हैं। ठीक है, एक इंडोरेंस के पास ये सारी चीजें ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि ये देरी तक काम करेगा। ठीक है, क्यों देरी तक काम करेगा? क्योंकि इसके पास मायोग्लोबिन ज्यादा है, माइटोकांड्रिया ज्यादा है मसल में। ठीक है, समझ गए। बॉडी में, हमारी बॉडी में जो टाइप 1 है, मतलब स्लो ट्विच, इसका जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा हमारे लोअर लिम में पाया जाता है। ठीक है, और अपर लिम में टाइप 1 ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तुम ज्यादा देर तक हाथ उठा करके ऐसे नहीं रख सकते, थक जाओगे। डंबल उतना नहीं मार सकते जितना तुम पैर से रनिंग करते हो। पैर में क्या है, टाइप 1 की अधिकता होती है, लेकिन उस टाइप देखो, ये दोनों फाइबर के जो कॉम्बिनेशन है ना, ये सभी के शरीर में पाए जाएंगे। ऐसे नहीं है कि मैं बोलूंगी कोई स्प्रिंटर है तो उसके पास टाइप 1 नहीं होगा। ठीक है, उसके पास रेशियो में कम टाइप 1 होंगे और ज्यादा टाइप 2 होंगे। ठीक है, इसको हम लोग स्लो ट्विच बोल रहे हैं, क्यों? इसमें मायोग्लोबिन ज्यादा है, माइटोकांड्रिया ज्यादा है, न्यूक्लियस ज्यादा है, ऑटो ट्रांसपोर्ट अच्छा है, इसलिए इसको रेड फाइबर्स भी बोलते हैं, रेड फाइबर्स। देखो रेड फाइबर्स, सभी बॉडी में हम लोगों को टाइप 1 और टाइप 2 दोनों मिलेंगे। ठीक है, हाँ, टाइप 1 जो उसके परसेंटेज ना लोअर लिम में ज्यादा रहता है, और टाइप 2 का जो परसेंटेज है वो अपर लिम में ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग रनिंग किससे कर रहे हैं, तो पैर में टाइप 1 और टाइप 2 दोनों मिलेंगे अपने को। ठीक है, लेकिन जिसका रेशियो में टाइप 2 ज्यादा होगा, उस पैर में टाइप 1 और टाइप 2 में रेशियो में जिसका टाइप 2 ज्यादा होगा वो अच्छा स्प्रिंटर होगा, और जिसके रेशियो में टाइप 1 ज्यादा होगा पैर में, उसका, समझ गया। अब सिंपल समझना, जो मैं इसमें ज्यादा लिखा हूं ना उसको उसमें कम लिखना, इसमें फास्ट ट्विच में। ठीक है, ये सब चीजें हाई होती हैं तो कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली क्या पाया जाता है, ये सब चीजें कम पाई जाती है टाइप 2 में। ठीक है, इसी को हम लोग फास्ट ट्विच बोलते हैं, टाइप 2 को फास्ट ट्विच बोलते हैं, और उसी को ही हम लोग और क्या बोलेंगे, वाइड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेड। अब देखो, टाइप 2 ए बी और एक्स, ए बी और एक्स, एक्स क्यों, ये जो एक्स है ना ये कन्वर्ट होता है ए और बी, टाइप 2 पाए जाते हैं, लेकिन टाइप 2 में हम लोग को, सुन लो पहले अच्छे से, टाइप 2 में हम लोग को टाइप 2 एक्स, टाइप 2 में ए बी और एक्स पाए जाते हैं,
अब देखो जब हम प्रैक्टिस करते हैं स्प्रिंटिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे परफॉर्मेंस बढ़ता है ना, या फिर इंडोरेंस की प्रैक्टिस करते हैं बहुत साल तो भी धीरे धीरे परफॉर्मेंस बढ़ता है। जो ज्यादा इंडोरेंस की प्रैक्टिस करेगा ना तो ये जो एक्स है वो टाइप वन में टाइप टू ए में कन्वर्ट होती जाएगी, ठीक है। मतलब टाइप टू एक्स एक ऐसा कैरेक्टर होता है मसल फाइबर का जो ए की तरफ जाएगा, ठीक है। अब ए क्या है, ए मतलब होता है फास्ट प्लस इंडोरेंस, समझ गया। टाइप टू ए मतलब फास्ट है लेकिन इंडोरेंस भी है, समझ गया। अब टाइप टू में, टाइप टू बी में क्या होगा, फास्ट प्लस फास्ट, इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब सुपर फास्ट, सुपर फास्ट मतलब स्प्रिंटर्स शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो ये अगर तुम स्प्रिंटिंग की प्रैक्टिस करोगे तो ये टाइप टू एक्स है ना ये फास्ट प्लस फास्ट की तरफ जाएगा। अगर तुम किसकी प्रैक्टिस करोगे, इंडोरेंस की प्रैक्टिस करोगे तो फास्ट प्लस इंडोरेंस की तरफ जाएगा, समझिए। ये यही रीजन है कि मसल के जो फाइबर्स होते हैं उसमें बदलाव होता है और परसेंटेज जो है वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे टाइप टू वन की तरफ चले जाते हैं। अगर इंडोरेंस करोगे तो वो क्या है, टाइप टू वन की तरफ फॉलो करेगा, अगर स्प्रिंटिंग करोगे तो वो टाइप टू बी की तरफ फॉलो करेगा, है ना। टू में बी की तरफ, वन मतलब समझ लो इंडोरेंस, ये भी एक तरह का इंडोरेंस की प्रवृत्ति रखता है टाइप टू ए, टाइप टू बी पूरी तरह से स्प्रिंटिंग की प्रवृत्ति रखता है और एक्स जो है वो चेंजेबल होता है, दोनों में वो परिवर्तित हो सकता है, फास्ट में भी स्लो, समझ गए यहाँ की कहानी। तो वर्कआउट पर डिपेंड करता है, बिल्कुल। तुम ज्यादा इंडोरेंस की एक्टिविटी करोगे तो टाइप टू ए हो जाएगा, ज्यादा, ठीक है। इसलिए उसको एक्स रखा गया है कि एक्स कहीं भी जा सकता है, 100-200, ठीक है। तो जो जो अच्छे रनर होते हैं 800 मीटर के अच्छे रनर वो टाइप टू ए की तरफ जाएंगे, फास्ट प्लस 400-800 जाना जो इस तरफ हो जाएगा, है ना। 1500 मीटर से ऊपर कितने हैं वो इसमें चले जाएंगे, इसमें चले जाएंगे, ठीक है। और जो 100-200 वाले हैं ठीक है। मतलब सर जब जब वो टाइप टू कर इंडोरेंस का टाइप टू जो चेंजेस हो रहे हैं वो मेनली किसमें, टाइप टू में हो रहे हैं, टाइप टू में हो रहे हैं। टाइप टू में तीन कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, ए बी और एक्स। जैसा तुम वर्कआउट करोगे वैसा वो चेंज होगा, जो एक्स है वो ए और बी में उस तरह से कन्वर्ट होगा जैसा तुम वर्कआउट करोगे। समझ लो ए और बी टाइप वन और टाइप टू मतलब रेड और व्हाइट फाइबर की तरह है लेकिन कंबाइंड, है ना। सर ये फास्ट प्लस फास्ट में बी और एक्स दोनों काम करेगा। अरे एक्स जो है ना वो कन्वर्ट होगा, अगर इसीलिए बोला पहले समझ लो। टाइप टू एक्स क्या है, एक ऐसा मसल फाइबर है जो जैसा तुम एक्सरसाइज करोगे वैसा वो चेंज हो जाएगा। अगर तुम इंडो एक्स जो है अगर इंडोरेंस की तुम एक्सरसाइज कर रहे हो तो वो टाइप टू ए में चला जाएगा। टाइप टू ए बताता है कि आपके पास इंडोरेंस की प्रवृत्ति है, फास्ट प्लस इंडोरेंस, ठीक है। टाइप टू बी बताता है कि आपके पास फास्ट दौड़ने की प्रवृत्ति है, ठीक है, समझ गया। मतलब व्हाइट फाइबर्स जो होते हैं उसमें फास्ट, समझ गया। तो व्हाइट फाइबर तो होते ही हैं फास्ट, मतलब टाइप टू जो है वो फास्ट है, लेकिन फास्ट के साथ साथ उसमें इंडोरेंस की प्रवृत्ति है, फास्ट के साथ साथ फास्ट और फास्ट की प्रवृत्ति है, और एक्स जो है वो कन्वर्टिंग प्रवृत्ति है, ठीक है।
तो जो व्हाइट फाइबर होते हैं उसमें ये जो चीजें हैं वो कंपेरेटिवली कम पाई जाती हैं, ठीक है इसके, लेकिन पाई जाती है, नहीं पाई जाती है करके ना अगर क्वेश्चन दिया तो गलत है। मतलब उसमें भी मायोग्लोबिन पाया जाएगा, माइटोकांड्रिया पाया जाएगा, न्यूक्लियर पाया जाएगा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा कहीं पर। जो इसमें कैसे क्वेश्चन बना सकता है अगर खजाना है तो तुम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर है, देख रहे हो जान रहे हो, लेकिन ऐसे लिख दिया कथन कारक में, ये लिख दिया कि टाइप टू में माइटोकांड्रिया नहीं पाए जाते। कथन सही है या गलत, समझे? पाए जाते हैं लेकिन कम। ये होता है कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन जो कि पूछता है, फंसाता है, समझिए। तो अपने कॉन्सेप्ट को एकदम पूरा क्लियर रखो, क्रिस्टल क्लियर, कि तुमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो एकदम पता चल जाए, ठीक है। हो गया यहां तक की कहानी?